नमस्ते, मैं हूँ विभा राणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत और मालदीव के बीच तनाव बना हुआ है। इस पर विराम लगना तो दूर, बल्कि ये तनाव और ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। इस बीच इस तनाव में एक और चैप्टर जुड़ गया है। मालदीव ने आरोप लगाया है कि बिना इजाजत भारतीय कोस्ट गार्ड पिछले दिनों उनके 3 फिशिंग वेसल्स पर आ गए। मालदीव ने भारत सरकार से इस बारे में जानकारी मांगी है कि आखिर भारतीय कोस्ट गार्ड मालदीव के जहाजों पर क्यों चढ़े। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 31 जनवरी को भारतीय कोस्ट गार्ड ने उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रही जहाजों को बिना परमिशन के इंटरसेप्ट किया है। कोस्ट गार्ड्स ने जहाजों की तलाशी ली, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। मालदीव सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर आधिकारिक जवाब मांगा है। मालदीव विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप 246 और शिप 253 के गार्ड्स ने मालदीव के मछुआरों से पूछताछ की, ये किस आधार पर हुई है ये बताए। हालांकि इस मामले को लेकर भारत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ये खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब 2 दिन पहले ही दिल्ली में भारत और मालदीव के अधिकारियों की मुलाकात हुई थी। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि भारत 10 मार्च 2024 तक 3 उड्डयन प्लेटफॉर्मों में से एक से अपने सैनिक हटा लेगा, जबकि बाकी बचे 2 प्लेटफॉर्मों से सैनिकों को 10 मई 2024 तक हटा लिया जाएगा। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और विकास साझेदारी के क्षेत्र में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। मीटिंग में इस बात पर भी सहमति बनी कि भारत मालदीव में तैनात अपने सैन्य अधिकारियों के ग्रुप को असैनिक समूह के साथ बदलेगा। ये असैनिक ग्रुप भारतीय ही होगा जो भारतीय सैन्य अधिकारियों के काम को आगे बढ़ाएगा। अभी तक भारतीय सैन्य दल मालदीव में आपातकालीन और मेडिकल मदद पहुँचाने का काम करता आया है। आपको बता दें कि साल जनवरी में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था और वहां की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था, जिससे कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए मोहम्मद मोइजू ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।